नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। देखिए, क्या आप अपना मोबाइल का पैटर्न लॉक भूल गए हैं या फिर पिन कोड लॉक भूल गए हैं? तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपका मोबाइल का पैटर्न लॉक नहीं खुल रहा है, कितने भी कोशिश किया आप नहीं खोल सके, तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, या फिर आप कंप्यूटर से फ्लैशिंग कर दे या फिर आप इसको हार्ड रिसेट कर दे। तो आपको, आपके पास कंप्यूटर नहीं है या फिर आप कंप्यूटर से फ्लैशिंग करेंगे तो बहुत टाइम लगता है, मोबाइल डेड होने का डर भी रहता है, तो आप सीधा आप इसको हार्ड रिसेट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, हार्ड रिसेट करने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। देखिए, दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मैं ये बात सब नहीं छुपाऊंगा आपसे, मैं बता देता हूँ। आपको हार्ड रिसेट करने से पहले आपको जो है आपका मोबाइल का जो ईमेल आईडी है, इसके अंदर आपने जो ईमेल आईडी रखा है, उस ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो आप उस ईमेल को पहले रिसेट कर लीजिए अपना कंप्यूटर से, या फिर दूसरे मोबाइल से आप रिसेट कर सकते हैं, अगर आपने ईमेल में अल्टरनेटिव ईमेल या फिर रिकवरी फोन नंबर डाला है तो। अगर आपको ये सब पता नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन में दिख रहा होगा वीडियो, आप देख सकते हैं, मैंने इसके टॉपिक्स पर एक वीडियो बनाया था। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका जो पैटर्न लॉक है मैं भूल गया हूँ, और देखिये ये नहीं खुल रहा है, और मैं इसका लॉक जो है आप तोड़ने वाला हूँ आपके सामने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये मोबाइल है सैमसंग J2, और इसमें पैटर्न लॉक नहीं खुल रहा है, अब मैं इसको लॉक जो है तोड़ने वाला हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले आपके मोबाइल का पावर ऑफ कर देना है। पावर ऑफ होने के बाद में आपको 2-3 मिनट तक वेट करना है, और इसके बाद आपको जो ये देखिए लॉक बटन और ये होम बटन और ये जो वॉल्यूम का डाउन बटन है, ये तीनों एक साथ दबाना है। दोस्तों देखिए, आपके सामने कुछ इस तरह का जो है आता है, इसमें देखिए लिखा हुआ है, मैं आपको नजदीक लाके दिखा दूं, रिबूट नाउ और रिबूट टू बूट लोडर और अपडेट फ्रॉम ADB अप्लाई अपडेट फ्रॉम SD कार्ड। तो मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको वाइप डाटा रिसेट करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाइप डाटा रिसेट, तो आप ये जो वॉल्यूम की का बटन है आप इसको ऊपर नीचे करके यहाँ पर ला सकते हैं, वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट, इसको हार्ड रिसेट भी बोलता है। तो मैं यहाँ पर इसको हार्ड रिसेट करता हूँ। देखिए यहाँ पर आने के बाद में इसको आप जो है इस लॉक बटन से आप ओके करेंगे तो ये बोलेगा यस और नो, तो आपको यहाँ पर एस कर देना है। याद रखें, इस प्रोसेस को करने से पहले आपके पास ईमेल आईडी का पासवर्ड होना बहुत जरूरी है, जो कि इस मोबाइल में सेव है, तो मैं इसको एस कर देता हूँ, और इसका प्रोसेस जो है चालू हो गया है। तो ये बोल रहा है ये कंप्लीट हो गया है, आप ये कंप्लीट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डाटा वाइप कंप्लीट हो गया है, तो मैं इसको जो है रिबूट सिस्टम नाउ कर देता हूँ फिर से, क्योंकि ज्यादातर मोबाइल में आपको इस तरह का ऑप्शन नहीं आएगा, वो आप एस करने के बाद में डाटा वाइफ फैक्ट्री रिसेस यस करने के बाद में वो ऑटोमेटिक ही मोबाइल रिस्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस मोबाइल में ऐसा नहीं हो रहा है, सॉरी। तो मैं इसको यहाँ पर रिबूट सिस्टम नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, और देखिए ये मोबाइल जो है रिबूट हो रहा है, और ये देखिए थोड़ा टाइम लगा लेकिन ये हो गया, और यहाँ पर देखिए इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन लिखा हुआ आ रहा है, और देखिए ये वाइप डाटा रिसेट हो गया है, और ये स्टार्ट भी हो गया। अब इसको हम यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपको जो है अपना जो ईमेल आईडी का पासवर्ड है ये वो याद होना चाहिए। अभी देखिए ये बोलेगा ईमेल आईडी का पासवर्ड डालने के लिए, तो ईमेल आईडी का पासवर्ड डालने के लिए सबसे पहले आपको बोलेगा कि आप वाईफाई से कनेक्ट कीजिए या फिर अपना मोबाइल का इंटरनेट से कनेक्ट कीजिए। तो मेरे पास इस सिम में डाटा नहीं है, तो मैं अपना वाईफाई से इसको कनेक्ट कर देता हूँ, और देखिए मेरा जो वाईफाई है कनेक्ट हो गया है। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर कुछ डायग्नोस्टिक डाटा आता है एग्रीमेंट, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, अब इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर एग्री करता हूँ, कनेक्शन चेकिंग लिखा आ रहा है। अब यहाँ पर ये ईमेल मांगता है जो कि इस मोबाइल में मैंने सेव करके रखा था, मैं यहाँ पर देता हूँ, अब नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पर ये पासवर्ड बोल रहा है जो आपको याद होना बहुत जरूरी है, और देखिए मैंने यहाँ पर पासवर्ड दिया और ये जो है मेरा कंप्लीट हो गया है, अब ये खुल जाएगा, देखिए ये सब खुल गया, और मेरा जो बैकअप है पहले का डाटा सब आ जाएगा, और जो पासवर्ड था वो भी हट गया है।
जो पैटर्न लॉक कुछ भी पिन कोड लॉक पैटर्न लॉक कुछ भी रखा हुआ है वो सब ऑटोमेटिक ही हट जाएगा। ये बोल रहा है ये ईमेल रेडी है, इफ यू ऑल्सो यूज अनदर ईमेल कैन, तो मैं यहाँ पर नोट नाउ करूंगा और इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अरे बोल रहा है अपना नया पैटर्न लगाइए, तो मैं यहाँ पर नया पैटर्न लगा देता हूँ, सिंपल सा कंटिन्यू जो कि मुझे याद रहे। और ये सारे हो गए हैं, अब इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नहीं, ये मेरा मोबाइल जो है कम्प्लीटली हो गया है, देखिए कंप्लीट हो गया। इसका जो मैंने लॉक तोड़ दिया है, अब मैं फिर से लॉक लगा के इसको खोलता हूँ। देखिए मुझे अभी जो नया लगाया था वो चालू हो गया है। तो इसी तरह आप भी अपना मोबाइल का लॉक जो है तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखने की जरूरत है आपका ईमेल एड्रेस का जो पासवर्ड है वो आपको याद होना चाहिए, या फिर आपको याद नहीं है तो उसमें जो नंबर रखे हुए है मैंने आपको बताया है एक वीडियो में, नंबर या फिर अल्टरनेटिव ईमेल आप उसमें लगा के रखिए। और मैंने बताया भी है उसमें नंबर कैसे लगाना है, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको रेसेस कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको एक दूसरा वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।